आज क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नेम है फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स मीन्स जानवरों की भोजन की आदतें। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स, डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग एंड फूड फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमें खाने की ज़रूरत होती है, क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें ज़िंदा रहना है, ग्रो होना है और हेल्दी रहना है। उसी प्रकार जानवर को भी जीवित रहने के लिए, ग्रो होने के लिए और हेल्दी होने के लिए खाने की आवश्यकता होती है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। एन एनिमल माउथ, टीथ एंड इवन बॉडी स्ट्रक्चर हेल्प इट टू ईट अ सर्टेन टाइप ऑफ फूड। दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री डिफरेंट ग्रुप्स। फर्स्ट प्लांट ईटिंग एनिमल्स, सेकेंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, थर्ड प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब प्लांट ईटिंग एनिमल्स होता क्या है? प्लांट ईटिंग एनिमल्स में वो जानवर होते हैं जो कि घास खाते हैं। उनके टीथ स्ट्रांग होते हैं, शार्प होते हैं और खाने को ग्राइंड कर सके, पीसना, ग्राइंडिंग मीन्स होता है पीसना, तो वो अपने खाने को अच्छे से पीस सके और उसको खा सके। द प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प एंड स्ट्रांग टीथ फॉर ग्राइंडिंग देयर फूड। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है डियर, काउ, हॉर्स एंड बफेलो। ये ऐसे जानवर हैं जो घास खाते हैं। देन सेकेंड है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स में हमारे पास वो जानवर आते हैं जो मीट खाते हैं, मांस खाते हैं। जैसे क्यों वो मांस और मीट खा सकते हैं? क्योंकि उनके जो टीथ हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, नुकीले होते हैं आगे से, जो कि मीट को अच्छे से काट सके और उसको ग्राइंड कर सके और उनकी हड्डियों को भी चबा सकें, देन उसको खा सकें। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो इसमें है हमारे पास लॉयन, टाइगर, फॉक्स एंड जैकाल। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड टीथ टू कट द फ्लैश एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू द बोन्स एंड फ्लैश। अब हमने देखे कुछ बर्ड्स भी होती हैं जो फ्लैश खाती है, मतलब मीट खाती, मांस खाती हैं। वो बर्ड्स कौन सी हैं? बर्ड्स लाइक वल्चर, काइट एंड ईगल। ये कुछ एग्जाम्पल है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के। देन उसके बाद में थर्ड हमारी कैटेगरी थी प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स, इसमें क्लियर ऊपर कह रहा है प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग, मतलब इसमें प्लांट्स भी खा सकें वो जानवर और फ्लैश भी खा सकें, मीट भी खा सकें। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। वो जानवर जो घास फूस भी खाते हो और जरूरत पड़ने पर मीट भी खाते हो, फॉर एग्जाम्पल बियर एंड क्रॉप। इसके बाद में है हमारा डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग, अलग अलग प्रकार से हम कैसे जानवर खाना खाते हैं। सबसे पहले है सोलोइंग। सोलोइंग का मतलब होता है निगल लेना, खाने को डायरेक्ट निगल लेना। सम ऑफ फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक स्नेक एंड फ्रॉग सोलो देयर एंटायर फूड। वो अपने खाने को चबाते नहीं है, डायरेक्ट उसको काटते भी नहीं है, डायरेक्ट उसको निगल जाते हैं। मतलब कोई जानवर उन्होंने कैच किया तो उसको वो डायरेक्ट खा जाते हैं, ना उसको बाइट करते हैं, काटते हैं और ना ही उसे च्यू करते हैं, चबाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग और स्नेक। फ्रॉग ईट इंसेक्ट, इट हैज़ अ लॉन्ग स्टिकी टंग। फ्रॉग की आपने देखी होगी लंबी जीभ होती है, टंग होती है उसकी लंबी, वो क्या करता है अपनी टंग बाहर निकालता है, इंसेक्ट को कैच करता है और निगल लेता है। दूसरा है नोइंग। नोइंग मीन्स कड़ी वस्तु को कुतरना। जैसे आपने चूहा देखा है वो किसी चीज़ को खाता है, कुतरता रहता है। जैसे रैबिट गाजर को कुतर कुतर के खा लेता है ना, तो नोइंग एनिमल्स लाइक रैबिट, माउस एसेट्रा हैव फ्रंट शार्प फ्रंट टीथ बोथ इन अपर एंड लोअर जॉ। जो रैबिट होता है और माउस होते हैं उनके आपने देखा आगे दांत दिखाई देते हैं आपको, वो जो आगे के दांत होते हैं उनके एकदम शार्प होते हैं और दोनों जो में होते हैं ऊपर भी और नीचे भी। फर्स्ट दे बाइट द फूड, सबसे पहले वो खाने को काटते हैं अपने नुकीले दांतों से, देन उसे कुतरते हैं,
कुतर कुतर के खाते हैं उस खाने को, फॉर एग्जाम्पल रैबिट एंड माउस। देन इसके बाद है सकिंग। सकिंग मतलब किसी चीज को सोख लेना, जैसे हनीबी और बटरफ्लाई। हनीबी और बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई क्या करती है, फूल के ऊपर बैठती है, फूल के बीच में बैठेगी और उसका रस सक कर लेती, चूस लेती है। सम इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हनीबीज एसेट्रा सक देयर फूड। दीज इंसेक्ट हैव लॉन्ग पॉइंटेड सकिंग ट्यूब्स। एग्जाम्पल में इसमें है हमारे पास हनीबी और बटरफ्लाई। देन अब आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है, हमने जो ये पढ़े तीन डिफरेंट वेज ऑफ ईटिंग, ये आपको याद करने हैं, इनके नाम लिखने हैं कोई भी तीन तीन एनिमल्स की। जिस एनिमल को आप नाम लिखेंगे वो क्या खाता है, व्हाट टाइप ऑफ फूड, किस तरीके का खाना खाता है, ये आपको एक चार्ट जैसा बनाना है कल होमवर्क में, आप बना के रखिए अपनी कॉपी में, हम करेक्शन करेंगे बाद में। इस तरीके से चार्ट बनाएंगे आप, किस कैटेगरी का आपने जानवर देखा, कैटेगरी मींस आपने देखा कि वो स्वॉलोइंग का है, ग्नोइंग का है, नोइंग का है या सकिंग का है। कैटेगरी लिखी 1, 2, 3, देन उसका नाम, क्या नाम है, तीन नेम लिखने हैं आपको, जैसे हमने अभी एग्जांपल में बताया नोइंग में स्वॉलोइंग में फ्रॉग स्नेक, नोइंग में रैबिट माउथ। इसी प्रकार थर्ड नेम आपको खुद खोजना है, खोजकर उसका नाम 1, 2, 3 यहाँ लिखना है। वो क्या खाना खाते हैं, फूड, ये भी आपको 1, 2, 3 करके लिखना है। आज की वीडियो में इतना ही, ये होमवर्क आप करके रखिए, इसको रिवाइज कीजिए चैप्टर को जितना पढ़ाया है, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।